इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि स्केच ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं स्केच टूल की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली लेक्चर में मैं आपको बताया था कि प्लेन कैसे सेलेक्ट करते हैं, डायमेंशन कितने टाइप के होते हैं और यूनिट कैसे सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम स्केच बनाते हैं। स्केच बनाने के लिए आपको प्लेन सेलेक्ट करना होगा, जैसा कि हमने पिछली लेक्चर में सीखा था। प्लेन सेलेक्ट करने के लिए यहां पर आपको तीन टाइप का प्लेन दिखाई दे रहा है, आप किसी एक को सेलेक्ट करें। तो हम यहां पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करने वाले हैं। फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करने के लिए आप फ्रंट प्लेन पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्केच का आइकन दिखाई दे रहा होगा, आप इस स्केच वाले आइकन पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप स्केच मोड में चले आएंगे। यहाँ पर स्केच करने के लिए पहला जो कमांड दिया गया है वो है लाइन। अब देखते हैं, यहाँ पर लाइन भी थ्री टाइप्स का दिया गया है। थ्री टाइप्स का लाइन जानने के लिए आप लाइन वाले आइकन के बगल में ये एरो का आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस एरो पे क्लिक करें। तो यहाँ पे देखिए लाइन, दूसरा है सेंटर लाइन और तीसरा है मिड पॉइंट लाइन। लाइन कमांड में यहाँ पर आपको तीन टाइप का लाइन मिलता है। पहला है लाइन, जिसे कि हम नॉर्मल लाइन भी कहते हैं। दूसरा है सेंटर लाइन, जो रिफरेंस लाइन के रूप में यूज होता है। और तीसरा है मिड पॉइंट लाइन, जो कि इक्वल लेंथ बोथ साइड, मीन्स जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो दोनों साइड इक्वल लेंथ में ड्रॉ होगा। तो चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं लाइन कमांड की मदद से। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें लाइन कमांड वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगा। अब हमें वहाँ पे क्लिक करना होगा जहाँ से हम लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ से लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक किया ये लाइन ड्रॉ होना स्टार्ट हो गया। और देखिए इसके बगल में आपको ये डायमेंशन दिखाई दे रहा होगा कि इसका जो डायमेंशन है अभी वो है 117.48 और ये है 180 डिग्री पे। और इसके नीचे आपको येलो कलर का एक छोटा सा लाइन दिखाई दे रहा होगा, ये है रिलेशन कि ये हॉरिजेंटल है। उसी तरह इस लाइन को कर्सर की मदद से आप मूव करेंगे तो देखिए ये बिल्कुल 90 डिग्री पे है और ये रिलेशन इसका वर्टिकल है और ये लेंथ जो है इसका 102.82 है। तो लाइन आप कोई भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। और दूसरा, आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा जहाँ तक कि आप लाइन चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लाइन चाहते हैं यहाँ तक, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया ये लाइन यहाँ तक ड्रॉ हो गया, बट अभी तक ये लाइन कमांड एक्टिव है। लाइन कमांड से बाहर जाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में एस्केप बटन प्रेस करना होगा या फिर राइट क्लिक करें और सेलेक्ट पे क्लिक करें। तो अब आप स्केच से बाहर आ गए। अब देखिए नीचे की साइड में ये जो स्केच का स्टेटस है वो भी अंडर डिफाइन है, क्योंकि इसमें रिलेशन और डायमेंशन अभी देना है। और दूसरा, अभी जो इसका यूनिट है वो मिलीमीटर में है, कि यहाँ पे जो भी डायमेंशन दिया जाएगा वो एमएम में लेगा ये, क्योंकि हमने एमएम में यूनिट को सेट कर रखा है। एक बात और, जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर के साइन से ये पता चलता है कि ये जो स्केच है अभी अंडर डिफाइन है और इसमें अभी डायमेंशन और रिलेशन देना है। जब हम डायमेंशन और रिलेशन लगा देंगे तब ये स्केच फुल्ली डिफाइन हो जाएगा और यहाँ पे स्टेटस में भी आपको फुल्ली डिफाइन दिखाई देगा और ये स्केच का कलर भी ब्लैक हो जाएगा। तो चलिए डायमेंशन देते हैं।
डायमेंशन देने के लिए हमें स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, हमारा डायमेंशन कमांड एक्टिव हो जाएगा। डायमेंशन देने के लिए आपको लाइन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लाइन पे क्लिक करेंगे, आपका जो ये डायमेंशन है वह दिखाई दे रहा होगा। अब आपको दूसरा क्लिक वहाँ पे करना है जहाँ पे आप ये डायमेंशन को रखना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे रखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब देखिए, जैसे ही हमने क्लिक किया, हमारे सामने डायमेंशन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे हमें जितना भी डायमेंशन चाहिए, जैसे ये जो लाइन है इसका लेंथ हमें 100 mm चाहिए, तो हम 100 एंटर करके, या तो हम एंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, या फिर ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है इस पर क्लिक करें, जो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि सेव द करेंट वैल्यू एंड एग्जिट द डायलॉग बॉक्स, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हम डायलॉग बॉक्स से बाहर चले आएंगे, पर अभी भी हमारा डायमेंशन कमांड एक्टिव है। डायमेंशन कमांड से बाहर जाने के लिए हमें दोबारा स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हम डायमेंशन कमांड से बाहर चले जाएंगे। अब देखिए, डायमेंशन देने के बाद भी ये लाइन अभी तक ब्लू कलर है और इसका स्टेटस बता रहा है कि ये अंडर डिफाइन है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी रिलेशन लगाना होगा। तो रिलेशन लगाने के लिए आप लाइन के इस कॉर्नर पे क्लिक करें और शिफ्ट के साथ इस ओरिजिन पॉइंट को क्लिक करें। तो अब देखिए, आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कौन कौन से रिलेशन पॉसिबल हैं, जैसे ओरिजेंटल, वर्टिकल और मेक कॉन्सीडेंट। हमने पिछली लेक्चर में सीखा था कि कॉन्सीडेंट में क्या होता है कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे जाके मिल जाता है, मतलब मिलान हो जाता है, तो वो कॉन्सीडेंट कहलाता है। तो हम यहाँ पे कॉन्सीडेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम कॉन्सीडेंट सेलेक्ट करेंगे, वो पॉइंट यहाँ पे आके मिल गया। और देखिए, नीचे पे हमारा स्टेटस फुल्ली डिफाइन हो गया। और यहाँ पे ओके करें, और यहाँ पे कलर भी ब्लैक हो गया। अब देखते हैं सेंटर लाइन। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको लाइन के बगल में जो एरो है इस पर क्लिक करें। यहाँ पे सेंटर लाइन है, इस पर क्लिक करें। और मैं पिछला लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि जब भी आप स्केच स्टार्ट करें तो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करें। तो हम यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ क्लिक करें और राइट क्लिक करके स्केच पे क्लिक करें। तो आप स्केच से बाहर आ गए। तो यह है रेफरेंस लाइन, या इसको हम सेंटर पॉइंट लाइन भी कहते हैं। अगला है मिड पॉइंट लाइन। मिड पॉइंट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको इस एरो पे क्लिक करें और मिड पॉइंट लाइन पे क्लिक करें। अब आपका मिड पॉइंट लाइन कमांड एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करें। तो अब देखें, ये जो लाइन ड्रॉ हो रहा है ये दोनों साइड हो रहा है। जैसे हम कोई भी डायरेक्शन में इसको ले जाते हैं तो ये दोनों साइड में ड्रॉ होगा। और ये एक साइड में, या तो एक ही साथ जब हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये दोनों साइड इंक्रीज होगा, देखिए, और जब हम डिक्रीज करेंगे तो ये दोनों साइड डिक्रीज होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्केच से बाहर जाएंगे। अब देखिए, जैसे हम इसका डायमेंशन देते हैं, हमने डायमेंशन दिया इसको 100 mm और एंटर दबाया, तो ये 100 mm है। अब ये इसका मिड पॉइंट है। देखिए, ये मिड पॉइंट से इसका 50 mm है और उसी तरह इस मूव पॉइंट से यहाँ तक 50 mm है, इक्वल डिस्टेंस है। अब हम लाइन कमांड की मदद से एक स्केच ज्योमेट्री तैयार करेंगे। हमें ये स्केच ड्रॉ करना है लाइन कमांड की मदद से, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। अब हम स्केच बनाएंगे। स्केच बनाने के लिए लाइन कमांड एक्टिव करें
वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल और स्केच से बाहर। अब इसमें डायमेंशन देंगे स्मार्ट डायमेंशन, ये हमारा 60 mm, दूसरा ये भी 60 mm, ये हमारा 30 mm और ये भी 30 mm। अब देखिए ये डायमेंशन देने के बाद यहाँ पे स्केच फुल्ली डिफाइन है, क्योंकि इसमें जो भी डायमेंशन चाहिए जो रिक्वायर्ड है इसमें पूरा डायमेंशन दिया गया है। और आपको ये रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा होगा, रिलेशन दिखाई देने के लिए जो आइज का आइकन है यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे जो ये रिलेशन है ये हाइड किया हुआ है, इसे देखने के लिए आप इस पर क्लिक करें तो अब देखिए आपको ये रिलेशन दिखाई दे रहा होगा, यह वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, यह भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, यह वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। और फिर रिलेशन को हाइड करने के लिए इस आई वाले आइकन पर क्लिक करें और यहाँ पे जो रिलेशन का आइकन है इस पर क्लिक करें तो यह हाइड हो गया। चाहे तो आप डायमेंशन भी हाइड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। अब स्केच से बाहर जाने के लिए आपको इस आइकन पे क्लिक करना होगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप स्केच मोड से बाहर चले जाएंगे। अभी इस स्केच को हम सेव करेंगे, सेव करने के लिए आप कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एस प्रेस करें या फिर यहाँ पे सेव का जो आइकन दिखाई दे रहा है आप उस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये आपका पाथ दिखाई दे रहा है कि आपको कहाँ पे सेव करना है। जैसे हमारे यहाँ पे डी ड्राइव में यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं स्केच लेक्चर LACTUR लेक्चर और एंटर करें। अब यहाँ पे स्केच लेक्चर पे क्लिक करें। अब आप पार्ट का जो नाम देना चाहते हैं, जैसे हम लेक्चर लेक्चर वन लाइन कमांड टाइप करके सेव करेंगे तो अब हमारा ये स्केच सेव हो गया। अब इसे यहाँ से क्लोज करें। अब आप बनाए हुए स्केच को ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पे क्लिक करें। अब आप जहाँ पे सेव किए हैं, जैसे हमने डी ड्राइव में स्केच लेक्चर में हमने लेक्चर वन के नाम से सेव किया था लाइन कमांड, इसे हमको यहाँ पे ओपन करना है तो इस पे क्लिक करें और ओपन करें तो ये आपका स्केच ओपन हो गया। आज के लिए बस इतना ही, आगे की लेक्चर में हम सीखेंगे कि रेक्टेंगल कितने टाइप के होते हैं और रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं। तो हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।